नाम साक्षी जैन आप सबको मालूम ही है। तो पहले खुद के लिए कुछ लिखा था, वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं जो कभी खामोश सा नजर आऊं, मैं जो कभी खामोश सा नजर आऊं, इसे तुम मेरी बेरुखी मत समझना, इसे तुम मेरी बेरुखी मत समझना, क्योंकि ये जिंदगी की साजिश है मुझे नाकाम करने की, क्योंकि ये जिंदगी की साजिश है मुझे नाकाम करने की। मैं जो कभी खफा खफा सा नजर आऊं, मैं जो कभी खफा खफा सा नजर आऊं, इसे तुम खुशियों की आजादी मत समझना, क्योंकि मुझे शौक है अक्सर गमों के शहर चाय पे जाना, क्योंकि मुझे शौक है अक्सर गमों के शहर चाय पे जाना। मैं जो कभी किसी किनारे पे स्याही और पन्ने के साथ नजर आऊं, मैं जो किसी किनारे पे स्याही और पन्ने के साथ नजर आऊं, इसे तुम मेरी काबिलियत मत समझना, क्योंकि कुछ अरसों से शायरे सजा काट रहा हूँ, क्योंकि कुछ अरसों से शायरे सजा काट रहा हूँ। अगला देखिएगा कि जब भी जिक्र हो गम दर्द और तन्हाइयों का, कि जब भी जिक्र हो गम दर्द और तन्हाइयों का, एक दरख्वास्त है मेरी कि नजरें तुम्हारी मेरी से रूबरू ना हो, कि नजरें तुम्हारी मेरी से रूबरू ना हो, कि कुछ बेबस से हो गए हैं अश्क मेरे, अब कुछ यही हैं अपने साथ मेरे, आखिर साहिल के भी तो हैं लाखों लुटेरे, आखिर साहिल के भी तो हैं लाखों लुटेरे, कि जब मिलो इन कायम लफ्जों से तुम, कि जब मिलो इन कायम लफ्जों से तुम, एक दरख्वास्त है मेरी कि शिकवा तुम्हें मुझसे हो मेरी लिखी नज्म से नहीं, कि शिकवा तुम्हें मुझसे हो मेरी लिखी नज्म से नहीं, क्योंकि मैं ना करूं जिक्र गम दर्द और तन्हाइयों का, क्योंकि मैं ना करूं जिक्र गम दर्द और तन्हाइयों का, तो मैं शायर किसी काम का नहीं, तो मैं शायर किसी काम का नहीं। अगला देखना कि मैं दर्द में राहत का एहसास लिख सकता हूं, गुलाब को ना चुन कांटों से वास्ता रखता हूं, बात दिल लगाने की करते हो, बात दिल लगाने की करते हो, मैं बिन इश्क किए टूटने की औकात रखता हूँ, मैं बिन इश्क किए टूटने की औकात रखता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन दिल में दिमाग और दिमाग में दिल रखता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन दिल में दिमाग और दिमाग में दिल रखता हूँ। अगला है कि वो लोगों का मिलना बिछड़ना तो आम है, वो लोगों का मिलना बिछड़ना तो आम है, किसी का यूं दिल से लगाना माना फरहात है, किसी को यूं दिल से लगाना माना फरहात है, लेकिन किसी के दिल से निकलना क्यों गंभीर इंसान है, किसी के दिल से निकलना क्यों गंभीर इंसान है। खैर छोड़ो ये सब मुद्दे तो आजकल हर किसी के हालात हैं, खैर छोड़ो ये सब मुद्दे तो आजकल हर किसी के हालात हैं। अगला है कि सुना है मुशायरे में आज फिर बात मोहब्बत की हुई थी, सुना है मुशायरे में आज फिर बात मोहब्बत की हुई थी, जिक्र बेरुखी पे वाहवाही मच रही थी, जिक्र बेरुखी पे वाहवाही मच रही थी, दास्तां गालिब सुना रहे थे और धड़कने तेज तुम्हारी हो रही थी, धड़कने तेज तुम्हारी हो रही थी, आज फिर एक महफिल में जाम लफ्जों के पिलाए जा रहे थे, आज फिर एक महफिल में जाम लफ्जों के पिलाए जा रहे थे, नज्म कोई पढ़ रहा था और नशे तुम कर रहे थे, नज्म कोई पढ़ रहा था और नशे तुम कर रहे थे। अगला सबको डेडिकेटेड। हाँ, मैंने बर्बाद आशिक को मोहब्बत को कोसते देखा है, मैंने बर्बाद आशिक को मोहब्बत को कोसते देखा है, तुम बात मतलब की करते हो, तुम बात मतलब की करते हो, मैंने जमाने को हाल खुद का छुपा के हाल तुम्हारा पूछते देखा है, मैंने जमाने को हाल खुद का छुपा के हाल तुम्हारा पूछते देखा है, मैंने महफिलों में बदनाम माशुकाओं को तुम्हारे झूठे इल्जामों पे वाह वाह करते देखा है, मैंने महफिलों में माशुकाओं को तुम्हारे झूठे इल्जामों पे वाह वाह करते देखा है। और ये आखिरी, ये जिंदगी ना रंग बहुत बदलती है, ये जिंदगी ना रंग बहुत बदलती है, किसी की सरताज बनके भी दिखाई खंजर सी है, किसी की सरताज बनके भी दिखाई खंजर सी है, तो किसी तब्दील किसी की तब्दील ना होके भी दिखाई जन्नत सी पड़ती है,
तो किसी की तब्दील ना होकर भी दिखाई जन्नत सी पड़ती है। ये बिन मांझे की पतंग है साहब, ये बिन मांझे की पतंग है साहब, कट भी जाती है तो लगता है जैसे उड़ान ऊंची भरती है, कट भी जाती है तो लगता है जैसे उड़ान ऊंची भर रही है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।